दोस्तों, अगर आप भी यदुमुरे या वरुण केलिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यदुमुरे या वरुण केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यदुमुरे या वरुण केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों, ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर
नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीतन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीतन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को जो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम उर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम उर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम उर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को जो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गिज थिरुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए, इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़ कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से
भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथल श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी जो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गिज थिरुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्था ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्था ने का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्था ने यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्था ने को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्था ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्था की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्था श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्था को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्था को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्था के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सकें।
दोस्तों, अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों, ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहां पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्था ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्था ने का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्था ने यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्था ने को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्था ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्था की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बम्बा
बीमारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहां पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा, आकाश,
मार्गेज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्था ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्था ने का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्था ने यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्था ने को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्था ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्था की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्था श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्था को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्था को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्था के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से
भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों, अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋतविका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गेज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋतविका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से
भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथल श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को ये नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋतविका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम उर्रे यावरुम केलिल मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम उर्रे यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम उर्रे यावरुम केलिर, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गेज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़ नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजोन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुंचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से
भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथल श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को जो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिर, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋतविका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गिज थिरुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए, इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए, जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है, एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझकर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। पुनीर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से
भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीरथल श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीरथन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीरथन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीरथन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी जो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुर यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुर यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर इंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को इंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुमुरे यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुमुरे यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुमुरे यावरुम केलिर, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेघा, आकाश,
मार्गिज थिरुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका, विद्या, विवेक, एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा, आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रूबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्था ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्था ने का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्था ने यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्था ने को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्था ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्था की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्था श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्था को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्था को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्था के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके।
दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको। दोस्तों ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहां पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप Amazon Prime Video पर जाकर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो दोस्तों आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है, आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है, आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, Amazon Prime Video पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी क्रुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वह जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वह पुनीर्थन को नहीं जानती है और वह उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर
नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीतन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीतन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सके। दोस्तों अगर आप भी यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यद्दुम और यावरुम केलिल मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इसी वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो ये मूवी 19 मई 2023 में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी यद्दुम और यावरुम केलिल, जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों वेंकट कृष्णा रोंदथो, जो की काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। इस मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ 10 में से 5.5 की रेटिंग दी गई है। एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी दोस्तों इस मूवी को 5 में से 2.5 की रेटिंग दी है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये किस तरह की मूवी है। और गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 63% तक लाइक किया है। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट की। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मेगा आकाश, मार्गिज थ्रुमेनी, विजय सेतुपति, कनिका विद्या, विवेक एम राजा, ऋत्विका, चिन्नी जयंत आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के टाइम लेंथ की। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 30 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को आप कहां पर देख सकते हैं। तो इस मूवी को दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन दोस्तों आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो दोस्तों आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा अच्छी लगने वाली है। आप दोस्तों इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। आपको दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी की। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, कहानी कुरुबा नदी के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे पुनीर्थन ने विजय सेतुपति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम के संगीतकार जैसे थाबिया मथुरा के साथ तमिलनाडु के कोडेकनाल में फादर जेवियर के चर्च में आता है। प्रारंभ में फादर जेवियर और उनके चर्च के सभी लोग पुनीर्थन का स्वागत करते हैं, ये समझ कर कि वे जैसे के बैंड का हिस्सा है। हालांकि बाद में उन्हें पता चलता है कि पुनीर्थन यूके से नहीं है। मामले को बदतर बनाने के लिए जैसे का दावा है कि वे पुनीर्थन को नहीं जानती है और वे उसके बैंड का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पुनीर्थन ने अपनी कहानी का खुलासा किया। उनका जन्म एक श्रीलंकाई तमिल के रूप में हुआ था और श्रीलंका में हुए जातीय नरसंगा में उसके माता पिता के मारे जाने के बाद उनका पालन पोषण एक चर्च के पादरी ने किया था। पुजारी ने पुनीर्थन की असाधारण संगीत प्रतिभा को पहचाना और उन्हें संगीत के उच्च अध्ययन के लिए यूके भेजने का प्रयास किया। हालांकि जैसे ही वह द्वीप छोड़ने वाला था, श्रीलंकाई सेना ने उसका साथ दे रहे लोगों को गोली मार दी और उसे किशोर जेल में डाल दिया। निर्थन ने कई साल जेल में बिताए इस उम्मीद में कि पुजारी एक दिन उसे जमानत देने आएगा। दुर्भाग्य से बाद में उन्हें पता चलता है कि पुजारी की बमबारी में मौत हो गई थी। वर्षों बाद जेल से रिहा होने के बाद दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला ने उन्हें देश से भागने के लिए मजबूर कर दिया। पुनीर्थन श्रीलंका तमिलों में से एक समूह में शामिल हो गए जो नाव से ऑस्ट्रेलिया भाग रहे थे। नाव पलट गई और पुनीर्थन को छोड़कर नाव पर सवार सभी लोग डूब गए। मलयाली मछुआरों ने पुनीर्थन को बचाया और उसे केरल में एक संगीत दुकान के मालिक के पास के ले गए। पुनीर्थन के संगीत ज्ञान से प्रभावित होकर दुकानदार ने उन्हें स्टोर में नौकरी दी और यूके में होने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको दोस्तों ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप दोस्तों इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को दोस्तों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर एंजॉय करने के लिए आपको दोस्तों अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज करना होगा, तभी दोस्तों आप इस मूवी को एंजॉय कर पाएंगे, अन्यथा आप इस मूवी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आप अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लीजिएगा और इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी आसानी से पहुँचा सकें।